तो आज का टॉपिक हमारा है लेफ्ट जॉइंट डबल रिवेटिंग जिगजैग। तो सबसे पहले हम लोगों को बेस लाइन ड्रॉ करनी है। ये बेस लाइन ड्रॉ हो गई। इसके बाद स्केल को इस पोजीशन पर लगाया, सेट स्क्वायर को यहाँ पे रखा इस तरह से, फिर स्केल को हटा लिया और स्केल को यहाँ पे लगा दिया, फिर इस हॉरिजेंटल लाइन के पैरेलल यहाँ पर एक हॉरिजेंटल लाइन खींच लेते हैं जो रिवेट प्लेट का वर्क करेगी। उसके बाद यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। स्केल को बेस लाइन पर लगाया, इस पोजीशन पर रखा सेट स्क्वायर को और यहाँ पर एक सेंटर लाइन डाल दी, क्योंकि हमें डबल रिवेटिंग लेप जॉइंट जिगजैग बनाना है। क्योंकि जो हम लोग लेप जॉइंट बना रहे हैं जिगजैग, तो इससे पहले डबल रिवेटिंग, ट्रिपल रिवेटिंग और सिंगल रिवेटिंग हो चुका है, तो जो रिवेट की बैक पिच है वो यहाँ पर 2D होगी। डी हमारा 18 mm है, डी हमारा 18 mm है, तो यहाँ पर जो पिच है वो है 2D, तो 2 × 18 यानी 36 mm की बैक पिच यहाँ पर लगेगी। 36 का मेजरमेंट ले लेते हैं यहाँ पे, 35, ये 36। इसके पैरेलल लाइन एक यहाँ पर पड़ेगी, तो स्केल को इस पोजीशन पे लगा लिया। इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ पर ड्रा कर दी, सेंटर लाइन, जो हमारी रिवेट प्लेट की थिकनेस है 9 mm, तो 9 mm का मेजरमेंट यहाँ पर ले लिया हम लोगों ने, 9 mm, 9 mm का यहाँ नीचे निशान लगा दिया। इस निशान के बाद एक निशान और लगा दिया, दो निशान हो गए। उसके बाद इसी 9 mm को यहाँ पर लगा दिया और यहाँ पर लगा दिया, इसी 9 mm को यहाँ पे लगा दिया और यहाँ पर लगा दिया, जो रिवेट का डायामीटर का वर्क करेगा। अब इसके बाद हमारा जो रिवेट का हेड होता है उसकी हाइट के बारे में हर वीडियो में बताया गया है, इसमें भी देख लीजिए। हाइट हमारी 0.70, तो कैलकुलेशन निकला 12 mm, तो 12 mm की मेजरमेंट लेंगे हम लोग। ये 12 mm हो गया, तो यहाँ से ये 12 mm और यहाँ से ये 12 mm हो गया। उसके बाद इसको ऐसे ही रख देते हैं, सेट स्क्वायर को इस पोजीशन पे सेट कर लिया। जो हमारी रिवेट प्लेट आई हैं दो, उन रिवेट प्लेटों को ड्रा कर लेते हैं। एक तो ये प्लेट हो गई, एक हमारी ये प्लेट हो गई। सेट स्क्वायर को इसी पोजीशन पे रहने दिया और स्केल को ऊपर सेट कर लिया। जो हमारा रिवेट का डायामीटर निकला था, डायामीटर डी यानी 18 mm, ये इसको डार्क कर लेते हैं, इसको डार्क कर लिया, दूसरे वाले रिवेट को डार्क कर लिया, ये रिवेट का सेंक, इसको डार्क कर लिया। अब जो हाइट हमारी यहाँ पर भरी हुई थी 12 mm, तो इस 12 mm का यहाँ से यहाँ पर निशान लगा लिया, यहाँ से यहाँ पर निशान लगा लिया, सेट स्क्वायर को इस पोजीशन पे सेट किया और जो रिवेट की क्लोजिंग होनी वो क्लोजिंग हम लोग यहाँ पर कर देते हैं। ये रिवेट प्लेट हमारी यहाँ पर क्लोज हो गई। इसके बाद एक मेजरमेंट बना है मार्जिन, मार्जिन होता है 1.5D, तो 1.5D की कैलकुलेशन हम लोगों ने निकाली थी 27, तो रिवेटिंग पार्ट 1 जरूर देखिए। तो 27 का मेजरमेंट यहाँ पे ले लिया, 7, तो यहाँ से ये 27, यहाँ से ये 27। उसके बाद हमारा है पिच, पिच P =
3D, तो ये 54 निकला था। 54 की मेजरमेंट ले लेते हैं, 54, यहाँ से 54 का निशान लगाया, यहाँ से एक और 54 का निशान लगाया, तो 1, 2, 3 54 के निशान हो गए। अब इसके बाद हमारा बचा है रिवेट का डायामीटर, तो डायामीटर के लिए हम लोग बना देते हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 9 mm, तो रिवेट का जो सेंक है वो हिडन बनेगा, तो उसको हिडन बना देते हैं, यानी 18 mm का ये बन गया। एक रिवेट का सेंक यहाँ पर हिडन बनेगा 18 mm का, उसके बाद एक सेंक यहाँ पर बनेगा हिडन, क्योंकि रिवेट का सेंक हिडन हो जाएगा, टॉप से उसका हेड ही साफ साफ दिखेगा। अब उसके बाद बचा हमारा रिवेट का हेड, हेड डायामीटर हमारा कैलकुलेशन में निकलता है डी इज इक्वल टू, कैपिटल डी इज इक्वल टू होता है 1.6D, तो इसकी कैलकुलेशन निकली 28 mm, तो 28 mm का हाफ 14 mm ले लेते हैं, ये 14 mm हो गया। अब इसको इस तरीके से सेट करना है, जो 12 mm का निशान हमारा लगा था हाइट, रिवेट के हेड की हाइट वहां तक सेट किया, और इसको डार्क कर दिया। ठीक इसी तरीके से यहां पर भी इसको डार्क कर दिया, ठीक इसी तरीके से नीचे भी, यहां भी जो 12 mm का ये जो निशान हमारा है 12 mm का, यहाँ पर ही लास्ट पॉइंट पेंसिल का आना चाहिए। तो ये रिवेट तैयार हो गया। इसी डायामीटर का हमें यहाँ पर बनाएंगे जो रिवेट का, लास्ट में यहाँ पर भी बनेगा, क्योंकि ये जॉइंट हमारा जिगजैग है, तो जो दूसरी रिवेटिंग होगी वो इन दोनों के सेंटर में एक एक रिवेट आएगा, और इसकी पिच भी हमारी 3D होगी, तो इस ये हमारा कितना है 54, तो 54 का हाफ कितना होगा 27, तो 27 पर निशान लगा लेते हैं, 25, 26 और ये 27, यहाँ पर भी 27 का निशान लगा लेते हैं, 25, 26 और ये 27, क्योंकि अगली जो रिवेट दो बनेंगे वो इसके सेंटर में बनेंगे। सेट स्क्वायर को इस पोजीशन पर सेट कर लिया, स्केल को यहाँ पर लगा लिया, और ये जो 27 का निशान था उसकी सेंटर लाइन हमारी ये यहाँ पर खींच दी, और दूसरी सेंटर लाइन हमारी यहाँ पर आ गई, तो यहाँ पर दो रिवेट बनेंगे। तो यहाँ पर ये रिवेट का डायामीटर सेंक हेड का 28 भरा हुआ है, तो यहाँ पर ये 28 का डार्क खींचेगा, एक यहाँ पर सर्किल खींचेगा, उसके बाद रिवेट का सेंक, सेंक का डायामीटर ये हो गया, या कहिए ये हिडन वाला, तो यहाँ पर हिडन आएगा, ये हिडन हो गया, एक हिडन यहां पर आएगा, उसके बाद जो रिवेट प्लेट है ऊपर टॉप की बात करते हैं, इसकी क्लोजिंग यहां पर कर देते हैं, और जो मार्जिन हमारा है 1.5D जो मार्जिन है उसकी कैलकुलेशन 27 यहां तक आया, तो लास्ट से 27 का मार्क ये आया, तो एक तो प्लेट ये क्लोजिंग हो जाएगी, और लास्ट से प्लेट को हम लोग यहाँ पर ये ऊपर वाली प्लेट की क्लोजिंग कर देते हैं।
तो यहां पर इसको यहीं पर क्लोजिंग कर देते हैं। ये टेपर थोड़ा दिखा दिया जाएगा, जो रिवेट प्लेट का आखिरी सिरा कटा हुआ है। नीचे वाली प्लेट को हम लोग यहाँ पर क्लोजिंग कर देते हैं और इसको डार्क कर लेते हैं। तो ये ऊपर वाली प्लेट हो गई और नीचे वाली प्लेट हो गई। तो सबसे पहले ऊपर वाली प्लेट के लिए बात करते हैं। ऊपर वाली प्लेट के प्रोजेक्शन नीचे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ऊपर वाली प्लेट है ये, हमें बिल्कुल साफ साफ दिखेगी। यहाँ पर जिगजैग का सिंबल, कॉन्टिन्यूअस थिन लाइन, ऊपर वाली प्लेट का ये सिरा हमें डार्क दिखेगा। तो ये लास्ट तक डार्क, फिर ये दूसरा पॉइंट, ये लास्ट तक डार्क। यहाँ पर ये जिगजैग दिखा दिया। सेट स्क्वायर को इस पोजीशन पर सेट कर लिया। जो हमारा मार्जिन निकला था 27 का निशान ये लगा हुआ है। तो प्लेट की यहाँ पर क्लोजिंग हमारी हो जाएगी। जिगजैग ये दिखा दिया और इसको कंप्लीट कर लिया। तो ये ऊपर वाली प्लेट हमारी कंप्लीट हो गई। अब बची नीचे वाली प्लेट। तो नीचे वाली प्लेट के भी प्रोजेक्शन खींच देते हैं हम लोग। स्केल को बेस लाइन पर सेट कर लिया। ये जो नीचे वाली प्लेट है ये ऊपर से देखने पर हिडन आएगी, तो इसके प्रोजेक्शन यहाँ पर हमें हिडन दिखाई देंगे। तो ये हिडन खींच दे रहे हैं। दूसरे वाले पॉइंट के भी हिडन आएंगे, इस वाले पॉइंट के ये हिडन खींच दे रहे हैं। स्केल को उसी पोजीशन पर सेट रहने दिया या ऊपर सेट कर लिया स्केल को। ऊपर वाली लाइन पर स्केल को सेट कर लिया। अब जो नीचे वाली प्लेट है उसका ये सिरा है, इसको थोड़ा एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये जिगजैग दिखा दिए। उसके बाद यहाँ पर इस प्लेट को क्लोज कर देंगे, नीचे वाली प्लेट को। ये यहाँ तक आएगी हमारी, ऊपर यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। अब बची इसकी डाइमेंशनिंग कर देते हैं। ये पिच है हमारी, पी इजकल टू 3D। ये हमारी बैक पिच है, इसको यहां पर दिखा देते हैं ऊपर। बैक पिच हमारी PB इजकल टू 2D है। इस वाली पिच को भी दिखा देते हैं।
ये भी हमारी पी इजिकल टू 3D है, जिसमें अंदर वाला ये डायामीटर हमारा फाई डी है, ये बाहर वाला डायामीटर हमारा फाई 1.6D है। तो ये लेफ्ट जॉइंट हमारा जिगजैग में कंप्लीट हो गया। इसमें बचा है हेजिंग। उसके बाद नीचे वाली प्लेट की हेजिंग कर देंगे दूसरे डायरेक्शन में। तो ये प्लेट हमारी कंप्लीट हो गई।